एवरीवन, आज हम न्यूज़पेपर जो कि पढ़ने के बाद लगभग वेस्ट ही होता है, इसका हम यूज़ करके एक बहुत ही यूज़फुल ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। अभी जो चल रहा है इसमें प्लास्टिक बैन है, तो हमें पेपर बैग बहुत यूज़फुल रहेगा अभी हमारे लिए, तो हम इस न्यूज़पेपर से वो बनाना बताएंगे। इसके लिए हमारे पास ये न्यूज़पेपर का जो ये होता है एक चाहिए होगा इस शेप में। इसको पहले हम लोग पेस्ट करेंगे, इस दोनों पार्ट को एक साथ पेस्ट करते हैं। हल्का हल्का सा बिल्कुल फेविकॉल डालना है इस पर। और इस वाले पार्ट को इस पर डाल करके पेस्ट कर लेना है। फिर हमारे पास जो ये ओपन वाला पार्ट होता है, इस तरफ से फिंगर का हमारा ये जो दो पार्ट है ये थ्री पार्ट में डिवाइड होता है, तो दो पार्ट हम इससे मेज़र करना हम सबों के लिए आसान होगा, तो इससे हम मेज़र करेंगे। ये जो दो पार्ट है हमारा इसको हम यहाँ पे डालेंगे और ये जहाँ भी आता है वहाँ से हमें इसको फोल्ड करना है। इस तरीके से फिर हमें यूँ फोल्ड करना है और इस वाले पार्ट को पेस्ट करना है। तो इस तरीके से हम नहीं पेस्ट करेंगे, फिंगर का फिर हम ये वन पार्ट लेंगे, ऊपर वाला मेज़र करेंगे और इतना इस साइड से इसको फोल्ड करेंगे। फिर ऐसे डालेंगे, यहाँ जो हमारा होता है यहाँ इसका एंड पॉइंट होगा और ये जहाँ आता है वहीं से इसको फोल्ड करना है। इस वाले पार्ट पे हमें फेविकॉल डालना है। और इसको लेकर के इस पे पेस्ट कर लेना है। अब ये हमारे पास एक इस टाइप का बनेगा, तो बैग क्या ऐसे रह सकता है? नहीं ना, इसके नीचे से हमें इसको पैक करना होगा। वो करने के लिए हम ये जिधर से फोल्ड किए हैं उस तरफ से नहीं करना है, नीचे वाले पार्ट को फिर हम वैसे ही मेज़र करेंगे। अपना फिंगर, ये पूरा फिंगर जो है हमारा, इस तीनों पार्ट का यूज़ करेंगे और ये जहाँ आता है वहाँ से इसको फोल्ड करना है। अब हमें इसको ओपन करना है और इस तरीके से ट्रायंगल शेप यहाँ पे बनेगा, फोल्ड करना है इधर से भी इस तरीके से। अब इसे हार्ड बनाने के लिए, ताकि हम इसमें कुछ वज़न डालें तो ये फटे ना, इसके लिए हमें यहाँ पे एक हार्ड पेपर डालना होगा। जो हमने यहाँ कट कर लिया है, ये शादी का जो कार्ड आता है ये भी वेस्ट है, तो इसका यूज़ करेंगे। इसका पतला स्ट्रिप हमने कट किया है यहाँ पे, इसको यहाँ पे डालेंगे। और एक्स्ट्रा जो इस साइड हमारा बच रहा है और इस साइड बच रहा है, उस दोनों पे फेविकॉल लगाएंगे।
और इसको इस वाले पेपर पे पेस्ट करेंगे। अब आप देख पाएंगे हमारा ये जो पीछे का है वो बिल्कुल पैक हो चुका है और ये कार्ड लगने से ये हार्ड भी हो चुका है। अब ऊपर की बारी, इसका जो मिडिल पॉइंट है वो कैसे पता चलेगा, हमें इसको हाफ फोल्ड करना है हल्का सा बस। यहाँ हमने मार्क किया, ये आप हाफ आ गया। अब फिर हमें यहाँ पे भी कुछ हार्ड लगाना होगा ताकि हम जो फीता लगाए इसमें वो न्यूज़पेपर तो बहुत कमज़ोर होता है, ये फट सकता है, इसके लिए इसके अंदर भी हार्ड पेपर लगाना होगा। तो हमने ये दो पार्ट कट किया है दोनों तरफ लगाने के लिए। पहले हम पंचिंग मशीन से इसमें होल कर लेंगे। इसका भी ध्यान रखना है, हम इस तरीके से हाफ मार्क कर लेंगे ताकि दोनों जो हम लगाए वो एक जगह पे लगे। अब इसका मिडल देख करके हमें होल करना है। ये दोनों हमने होल कर लिया। अब इसको जो हमने यहाँ पे फोल्ड किया है इसके अंदर पेस्ट करना है, इसके ऊपर नहीं। तो इस पे हम फेविकॉल लगाएंगे दोनों साइड से। इसका मिडिल और इसका मिडिल, इस दोनों को देखते हुए हमें इसको अंदर में पेस्ट करना है। बिल्कुल इस तरीके से, और इसमें भी लगाएंगे, फिर इसको भी पेस्ट करेंगे। ये दोनों हमारा पेस्ट हो चुका है। अब हम फिर से इसके ऊपर पंचिंग मशीन से होल करेंगे ताकि हम इसमें फीता अपना डाल सकें। अंदर तो हमने किया ही है, ऊपर से भी करेंगे। ये दोनों पार्ट में हमने होल कर लिया। अब इसमें फीता लगाएंगे, वो भी हम किसी वेस्ट से ही लेंगे। ये जो शादी के कार्ड्स आते हैं उसमें इस तरीके का फीता लगा होता है, तो हम इसका यूज़ करेंगे इसमें लगाने के लिए। इसको हम निकालेंगे। ये इस तरीके का होता है, इसे जब हम ये करते हैं तो ये साइड में आकर के इसको रोकता है बाहर निकलने से। ये बाहर से अंदर की तरफ हम इसको करेंगे और इसे इस तरीके से फैला करके और यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। इसे भी इसी तरीके से करना है और इसको इधर से निकाल करके इस पर फिक्स करना है। फिर हम दूसरी साइड भी ऐसा ही करेंगे।
और हमारा ये पेपर बैग बिल्कुल रेडी है। इसे हम डेकोरेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे हमने वेजिटेबल स्टाम्प बताया वो भी करके इसको डेकोरेट कर सकते हैं, थंब प्रिंटिंग कर सकते हैं, या फिर ये ऐसे भी अच्छा लगता है। अब इसमें हमारा जो भी ये क्राफ्ट मटेरियल है हम इसमें डाल करके और ये हम कहीं भी ले जा सकते हैं। आप लोग इसे ज़रूर बनाना। बाय बाय। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।